मित्रों का आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी आपसे बात करेंगे। इनके साथ में ही हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान युद्धवीर सेठी जी और हमारे अर्बन लोकल बॉडी के स्टेट इंचार्ज श्री संजय बड़ू जी भी हैं। श्री जुगल किशोर शर्मा जी, मित्रों आज आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते इस सरकार के 8 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं और 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक अभियान चलाया है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के नाते 30 मई से लेकर 14 जून तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में जाकर रोजाना 8 से लेकर 10 घंटे जो है वो घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगा। और ये जो 8 साल मोदी सरकार के रहे हैं इसमें सेवा भाव से और फिर जो सुशासन के नाते शासन और फिर गरीब कल्याण के नाते जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार ने लोगों समाज को समर्पित की हैं उसकी चर्चा जो है वो लोगों से करना, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हर प्रदेश में जो काम हुए हैं उसके अलावा देश भर में जो काम हुए हैं, अगर एक तरह से मैं करूं तो नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 सालों का लेखा जोखा वो हम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसे आप रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, इसे लेखा जोखा भी कह सकते हैं, या फिर जो हमने किया है केंद्र सरकार के नाते उस सब का जिक्र जो है वो लोगों के सामने कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों के बीच जब भी जाते हैं तो लोगों को भी सुने, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुने, केंद्र सरकार के मतलब अगर उनकी कोई अच्छा सुझाव है तो उस सुझाव को भी लें और वो केंद्र तक पहुंचाएं ताकि उस पर भी अमल हो। तो मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूं, बिंदु तो बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक पत्र जो है वो आप सबको भी वितरित किया जाए, लेकिन इसमें सारे वो बिंदु हैं जिन पर केंद्र सरकार ने जो है वो काम किए हैं। कुछ काम विकास के नाते हैं, कुछ राजनीतिक फैसले हैं, कुछ समाज सुधारक फैसले हैं, जैसे आर्थिक सुधार हैं, विकास कार्य में गति है, जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हुई हैं, सुशासन हेतु प्रशासनिक सुधार और इसके अलावा भी सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार, विस्थापितों को न्याय, लोकतांत्रिक न्याय और इसके अलावा भी जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने समाज को समर्पित की हैं उस सब का जिक्र जो है वो इसमें है। मैं आपको थोड़ी सी बात करके आपका कथन अपना समाप्त करूंगा। थोड़े दिन पहले मैं अखनूर गया, अखनूर में बलवाल ब्राह्मणा एक गांव था, वहां पर एक घर में गए, गरीब घर था, हमने वहां एक माता जी थी उनको पूछा कि बताइए मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन शायद हमें उसका कोई लाभ कम मिला है। तो मैंने कहा बताइए कौन सा लाभ कम मिला है आपको, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है? वहां के हमारे सरपंच नीरज जी उन्होंने बताया कि इनको मकान भी दिया गया है, फिर उनको बताया कि आपकी माता जी की पेंशन भी लगी है, फिर उनको बताया गया कि इनका ई श्रम कार्ड जो लेबर कार्ड रहता है वो भी बनाया गया है, फिर उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर चूल्हा भी पहले हमें मिला था, उसके बाद जब उनके पतिदेव घर आए साथ ही आए
जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि किसान निधि के नाते अभी अभी दो दिन पहले उन्होंने बताया कि हमें 2000 रुपए की किस्त भी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उस तक पहुंचा जाए, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और समाज के लिए योजनाएं बनाई है उसका लाभ उसको मिले और विकास की गति तेज हो। और अगर कहीं लोगों के जो सुझाव हैं कि भाई इन 8 सालों में तो अच्छा हुआ लेकिन इस ओर और कुछ होना चाहिए, उस पर भी ध्यान हम देंगे। तो इसको लेकर हम आपके साथ आपके सामने आए थे। वैसे अगर जम्मू के विकास की बात करूं, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करूं, तो हमने जहां कुछ बिंदु जहां पर लिखे थे, जैसे कि धारा 370 निष्प्रभावी, धारा 35A निरस्त, और इसके अलावा 890 ऐसे केंद्रीय कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए धारा 370 हटने के बाद। 205 ऐसे कानून थे जो राज्य के थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। और इसके अलावा 130 ऐसे राज्य कानून थे जिन्हें संशोधित किया गया है। और इसके अलावा भी, और 26 अक्टूबर को जैसे हम जानते हैं कि भाई एसोसिएशन डे पर छुट्टी घोषित करना, जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतंत्र की बात हमने की है, और इसके साथ ही त्रिस्तरीय जिसे हम 3-tier system कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो अभी इन 8 सालों में जो है वो लागू हुई है। और इसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव करवाना, चाहे वो DDC के हों, BDC के हों या पंचायत के हों, वो चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से करवाना। और इसके अलावा इसके पहले विधानसभा के भी चुनाव हुए, 73वें संशोधन के अंतर्गत 27 कार्यों को ये जो अपने 3-tier system है इनको सौंपना। इसके अलावा भी कई सारे कार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किए हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो बहुत सारे कार्य, मैं कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जैसे कि सड़क निर्माण में अगर आप कहें तो कई कार्य जो है वो किए गए हैं। 125 पुलों का निर्माण कार्य जिसमें बड़े और छोटे, 129 कार्य ऐसे जो रोड जो है बनाए गए हैं, 14,053 किलोमीटर सड़क बनाकर तैयार हो गई है, 1957 गांवों से संपर्क जुड़ा है। इसके अलावा भी 3127 करोड़ रुपए की लागत से 8.45 किलोमीटर काजीकुंड और बनिहाल टनल तैयार करना, जम्मू अखनूर 4 लेन लगभग तैयार हो चुकी है, अखनूर से पुंछ ये जो 4 लेन का कार्य प्रारंभ हुआ है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। और जो जिला टनल की बात करूं, जम्मू रिंग रोड जो है बनकर तैयार हो गया, अभी उसका इनॉग्रेशन होगा, रेल सड़क हवाई यातायात, और ये जो हमारा हवाई अड्डा है आपने देखा होगा कि बहुत कमियां इसमें थी लेकिन अच्छे सुधार किए गए, लेकिन अभी नया टर्मिनल नया एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जो है वो विजयपुर की तरफ से आएगा, कांजी अपना कुजवानी चौक से होकर सतवारी तक आएगा, सतवारी से सीधा जाएगा। अभी आपको एयरपोर्ट जाने के लिए सतवारी और गाड़ीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे टेंडर हो चुका है, अभी हम सीधा ये जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है सतवारी से सीधा इस ओर जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, अगर मैं उधमपुर की बात करूं तो यहां पर एयरपोर्ट जो हमारा, एयरपोर्ट के बाद रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं उसका विस्तार हो रहा है, चिनैनी सुध महादेव डोडा अनंतनाग 4 लेन, 2014 से पहले मात्र 6 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और 22 में बढ़कर 11 हुए हैं। इसके अलावा रेल कश्मीर घाटी में भी रेल मार्ग वगैरह वगैरह, और इसके अलावा उत्थान के लिए कई कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं, जैसे कि मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 4500 यूथ क्लब बनाए गए हैं और बहुत सारा। मैं एक पत्र जो है वो आपको दे देता हूं आपका समय ना ज्यादा लेते हुए, बहुत सारी योजनाएं जो जम्मू कश्मीर में लागू की है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उत्थान के लिए की है और आर्थिक सुधार किए गए हैं, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया था। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जुनवीर सेठी जी और हमारे कॉर्पोरेटर और बहुत सीनियर लीडर हमारे संजय भड़ू जी और हमारे प्रदीप जी जो हैं हमारे साथ जहां पर बैठे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जहां पर बैठा। नहीं, ऐसा है कि भाई मेट्रो का जो सर्वे है अभी वो कंप्लीट तो हो चुका था लेकिन उसमें कुछ क्वेरीज आई हैं, वो अभी सर्वे चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा हम बताएंगे। और पिछले दिनों की बात अभी नहीं करता, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर वो विकास हो रहा है पर आम जनता सड़कों पर है,
रोजगार की बात है वो अपनी मांग को लेकर खड़े हैं, एनएचएम की बात करें, नरेगा की बात करें, अभी आपके ऑफिस के बाहरी एनवाईसी की बात करें, रेब्रिकेल की बात करें, तो फिर ये लोग सड़कों पर क्यों? ऐसे आम जनता तो नहीं, लेकिन वो नौजवान जिन्हें आशा है कि भाई ये सरकार ही हमारा जो है हमें परमानेंट कर सकती है, हमें रोजगार दिलवा सकती है, और या फिर जो लोग लगे हुए हैं उन्हें लगता है कि भाई यही सरकार कर सकेगी, तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन जो एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जहां पर काम कर रहा है उन्होंने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं, और वो कदम उठाए हैं जो पहले की सरकारों ने नहीं उठाए थे और ना ही उठा पाए थे। उन्होंने तो सिर्फ 200 और 500 और 1000 रुपए तक उनका वेतन फिक्स करके लोगों को छोड़ दिया था काम करने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही जो डिसीजन हुआ है अब वो नीड बेसिस हो या डेली बेसिस उनको एक 9000 रुपए तक तो लाया है, लेकिन अभी 9000 ही अंतिम पड़ाव नहीं है, उसमें भी एक कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी तय करेगी कि भाई इनका और वेतन कितना हम बढ़ा सकते हैं। सर, वॉइस ऑफ भारत की जनता जानना चाहती है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने युवाओं की बात की, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की थी, युवाओं की बात की थी, मगर आपकी डेवलपमेंट हो गई, जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, मगर युवा, जैसे कि मेरी पत्रकार बहन ने कहा कि युवा सड़कों पर है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी हेल्थ एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, मगर युवाओं के लिए भाजपा केंद्र सरकार क्या सोच रही है? देखिए, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन को पूरा सहयोग दे रही है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बन के दिल्ली जाते हैं वहाँ से उनको सैंक्शन किया जाता है और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार का जो है वो सहयोग किया जाता है, लेकिन आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि पिछली सरकारों के दौरान कितने मामले, कितनी समस्याएँ, कितना बेरोजगारी, उस सब को थोड़े समय में ही निपटा लेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पटरी पर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नौजवानों की आशाओं पर ड्यूटी प्रशासन जो है वो खरा उतरी। सुरक्षा की दृष्टि से आपने देखा होगा कि भाई हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक के बाद एक मीटिंग जो है वो की है, अमरनाथ यात्रा सुरक्षित कम्प्लीट हो जाए, किसी को कोई परेशानी ना आए, सुविधाओं की कोई कमी ना रहे, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे मनोज सिन्हा जो हमारे यहाँ के उपराज्यपाल महोदय हैं वो भी अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़े गंभीर रहते हैं और सारा ही प्रशासन जो है वो अमरनाथ की यात्रा सही सलामत कंप्लीट हो, देश भर से लोग आए अमरनाथ जी की यात्रा करें उसके लिए वो प्रयासरत हैं, और अमरनाथ यात्रा सुरक्षित यात्रा होगी, अमरनाथ यात्रा को कोई परेशानी आने वाली नहीं। जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, मासूमों की जाने जारी है, तो क्या लगता है अमरनाथ यात्री जो देश दूर दराज से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, कितना प्रभाव उन पर पड़ सकता है इन सब चीजों का? देखिए, जो टारगेट किलिंग हो रही है आप भी जानते हैं कि भाई चुपके से छुपके से चोरी से आकर बुद्ध जिले का वो काम करते हैं, निहत्ते लोगों पर गोली चलाते हैं और किसी टीचर को या किसी बैंक मैनेजर को और फिर महिला को भी वो गोली का शिकार बनाते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि वो बखलाए हुए हैं, अब उनकी कोई पेश नहीं चल रही है। ड्यूटी प्रशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज तालमेल बनाकर अपना काम कर रहे हैं और उसमें वो कामयाबी भी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत जल्द ये जो इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू की है ये भी समाप्त होगी। सर, इस तरह आपके भाजपा के नेता